हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एफके गुरु चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप कहाँ पे एस ब्रूडिंग ब्रूडिंग का मतलब अगर नहीं समझ रहे होंगे, यानी कि आप जो चूजा जो बहुत से फार्मर लेके जाकर पालते हैं पोसते हैं, वही फार्मर अगर आप नए फार्मर हैं, आपको पालना पोसना नहीं आता है, तो आपको 10 दिन 15 दिन जो है मुर्गी हो या बटेर हो पाल कर दिया जाएगा। और कितना चार्ज लगेगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, और हम आपको बटेर पालन पर खास करके बताएंगे, इसलिए कि दोस्तों आपको उससे जानकारी मिल जाए कि मुर्गी में भी कितना फायदा होगा, बटेर पे कितना फायदा होगा, तो हम पूरा इस वीडियो में डिटेल देने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए दोस्तों, और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कर सकते जो अभी कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जो फ्री बैठे हुए हैं उनको आप ये वीडियो सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों पटना में ही एक फार्मर है जिनका नंबर और नाम, फार्म का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां जाकर उनसे मिल सकते हैं, उनसे चूजा बच्चा जिस जो चीज चाहिए आप ले सकते हैं, बड़ा हो या छोटा हो, जिस साइज का चाहिए उनके पास मिलेगा, ले सकते हैं। उनके पास बतख भी है, मछली पालन भी करते हैं, उसके बाद से आपको बटेर पालन, देसी मुर्गी पालन में 2-3 वैरायटी का करते हैं, तो आप उनसे जाकर मिल सकते हैं, और उनका नंबर और एड्रेस उनका नाम डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों बात यह है कि हम आज बात करते हैं कि किस सिस्टम से वो चूजा को बेचता है। मान लीजिए आप नए फार्मर हैं, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, आपके पास जगह है, मान लीजिए आपके पास 100 मुर्गी पालने का जगह है या 500 बटेर पालने का जगह है, तो आपको करना ये दोस्तों कि आप उनसे संपर्क करके, मान लीजिए एक बटेर का आज के डेट सीजन अगर कम है, सीजन में डिमांड नहीं है, तो उसका बटेर का जो दाम है 10 रुपया रहता है, जब डिमांड रहता है तो 12, 14, 15 जाता है दोस्तों। तो उनके पास ये करना है कि दोस्तों कि आप जब बटेर का बोल लीजिएगा, जैसे कि हमको मान लीजिए कि हमको पालना नहीं आता है, तो दोस्तों बटेर में क्या है दोस्तों, 7 से लेकर 12 दिन तक बहुत जो है डर रहता है मरने का, क्योंकि रात में वो लोग अपने पर चढ़ जाती है कि एक जगह जब होती है तो उससे क्या होता है, जो नीचे वाली रहती है बटेर वो मर जाती है। तो उसके लिए करना क्या है दोस्तों कि आप उनसे ब्रूडिंग कराकर आप ले सकते हैं, कि बाद में बहुत कम ही चांस होगी जो बटेर है मरेगी या जो मुर्गी का बच्चा है मरेगा दोस्तों। तो और दोस्तों ये है कि अगर आप ले रहे हैं तो उनको चार्ज ये है दोस्तों कि आप जब बटेर को लगभग 34 से 40 दिन तक आपको पालना है, तो करना क्या है दोस्तों कि उनके पास आप जो बटेर ले रहे हैं, तो बटेर में आपका जो बटेर का दाम है चूजा का 10 हो 12 उस टाइम जो चल रहा हो, वो प्लस 1 रुपया एक दिन का पालने का वो चार्ज लेते हैं। तो अगर आपको 7 दिन तक पाल कर चाहिए तो 7 दिन तक देंगे, 12 दिन तक चाहिए तो 12 दिन तक का देंगे आपको चार्ज लेकर, यानी 12 दिन पालेंगे तो 12 रुपया हुआ, 7 दिन पालेंगे 7 रुपया उसका, प्लस आपका बच्चा का दाम, यानी 15 रुपया रेट हो तो या 10 रुपया 12 रुपया जो रेट चूजा का चल रहा है उस टाइम बटेर का, वो रेट लगेगा दोस्तों। 15 का ऊपर नहीं मिलेगा, वो बहुत कम, 10 ज्यादा तक 10-12 रेट चलता है बटेर का। और मान लीजिए 12 रुपये उधर 24 रुपये में आपका बटेर जो है 12 दिन हो जाएगा, उसके बाद आपके पास जाएगा तब सिर्फ आपके पास 15 से 17 रुपये का दाना खाकर वो 60 से 70 रुपये में वो बटेर को आप बेच सकते हैं। 34 से 40 दिन हो जाएगा, आप 70 रुपये तक आप बटेर को सेल कर सकते हैं। ठंडी में उसका डिमांड ज्यादा रहता है, तब ज्यादा महंगा वो जाएगा, नॉर्मल तो 60 रुपया तो बिकता ही ऐसे भी। तो आप एक नए किसान हैं तो लेके कर सकते हैं, दूसरा कोई खर्च उस पर नहीं है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रहता है, और बटेर जो है बीमारी बहुत कम बटेर में होती है दोस्तों। उसी तरह मुर्गी है, मुर्गी भी आप कम से कम 15 दिन 22 दिन तक आप पलवा कर उनके बोलिए हमारा पाल कर हमको पोस कर हमको थोड़ा बड़ा करके चाहिए 200 ग्राम 250 ग्राम का, तो उस हिसाब से 70-80 प्राइस पड़ता है, आप ले जाकर फिर पोसिए पालिए फिर आप बेच सकते हैं। तो उनका नंबर और ये डिस्क्रिप्शन में है, उनसे हमसे बात हुआ तो बताया कि हम बटेर पर बात किए थे, बटेर पर हमको ये पूरा डिटेल जो हमको वो दिए थे दोस्तों, वो पटना के पास के ही हैं। तो जो लोग को अगर ऐसा करना है तो ले कोई बिजनेस कर सकता है और खुद अपना बिजनेस, और इससे क्या होता है दोस्तों, सीखने को मिलता है, उसे ट्रेनिंग भी आपको फ्री मिल जाएगा, आपको नॉलेज हो जाएगा, आपको फोन से कनेक्शन भी रहेगा, आपसे जब कुछ और प्रॉब्लम आया आप उनसे बात कर सकते हैं, तो सीखने को मिलते भी मौका है दोस्तों। तो आप लेकर उनसे वीडियो
सोच दोस्तों, उनसे लेकर आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप 10,000, 20,000, 25,000 रुपये रखे हुए हैं तो आप फार्मिंग चालू करके आप बिजनेस कर सकते हैं। इसमें क्या है, 2 महीना 1 महीना में पैसा आना चालू हो जाता है। बकरी फार्म, गाय फार्म की जगह उसमें बहुत टाइम लगता है दोस्तों पैसा आने में, और ये क्या है, कम समय में पैसा आना चालू हो जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल में सब्सक्राइब नहीं, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।